40 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। अच्छा, ये अंदर से इसके कलई है जी, अंदर से कलई, हाँ अंदर से कलई हुई भी है। कलई करके बर्तन को इस्तेमाल करना चाहिए जब सही। ये डिजाइन भी कश्मीरी है, काम भी कश्मीरी है इसका, ये कॉपर में बनी हुई है। जी आपका नाम प्लीज? मेरा नाम मोहम्मद शकील है जी। अच्छा, आप माशाल्लाह ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। अच्छा, ब्रास कॉपर का काम है ये सही। और ये जो काम है एंटीक चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, पुरानी चीज़ें जी, जिसको जी। मैं रिपेयर करता हूँ, सही, मैन्युफैक्चर भी हूँ और पॉलिश वगैरह करके इनकी चमक वगैरह निकाल के रिकंडीशन, फिर वो मैं सेल करता हूँ चीज़ें। सही। अब जैसे कि मेरे पास ये लोटा है, तो ये ब्रास का पीतल का लोटा है, इसको उर्दू में पीतल कहते हैं सही, और इंग्लिश में इसको ब्रास कहते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तान बनने से काफ़ी पहले का है। अच्छा, इसका काम भी आपको बताएगा। आपने इसको रिस्टोर किया? इसको हाँ, मैंने इसको रिपेयर किया है। इसको रिपेयर करने के बाद इसकी पॉलिश की है। शकील साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, आपका जो मार्केट है वो कौन सी है, मतलब किस तरह के लोग ये ज़रा पसंद करते हैं? ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं फॉरनर होते हैं। अच्छा जी, आते हैं यूरोप कंट्री के लोग होते हैं जी, या कोई डेलीगेशन कभी कभी आ जाता है। सही। पाकिस्तानी फैमिलियों में भी शऊर आ गया है, वो घर में अच्छी जो सख्त रखते हैं इस चीज़ की कि पैसे खर्च कर सकें, क्योंकि ये काम महंगा है। महंगा है, ब्रास भी महंगा है, कॉपर भी महंगा है, उसके बाद जो इस्तेमाल भी इसको लोगों को करना चाहिए। सही। अब जैसे कि ये एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जी, प्लीज आप ये आ गया, मैं आपको हांडिया दिखाता हूँ पुरानी। तो इस पे होता यह है कि इसको हमें कलई करना पड़ता है। अच्छा जी, अंदर से टिन कोटेड कर दिया जाए, कलई काफ़ी महंगी हो गई है। ये अंदर से इसके कलई है जी, अंदर से कलई, हाँ अंदर से कलई हुई भी है। कलई करके बर्तन को इस्तेमाल करना चाहिए जब ये आपकी इसमें कोई चीज़ आप पकाएंगे, सब्जी या कोई गोश्त वगैरह जो भी पकाना चाहें, चिकन वगैरह, तो वो जब ये कलई आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो लीवर को आपके ठंडा रखेगी। जब लीवर को, लीवर में गर्मी नहीं होगी तो आपकी सेहत अच्छी होगी, लोग समझते नहीं है। दूसरा, हड्डियों की कमजोरी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसके लिए ये चीज़ बेहतरीन है। काम महंगा ज़रूर है लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हज़ारों रुपये फीस लेते हैं, हज़ारों रुपये की दवाइयाँ लेते हैं, जान आपकी कमज़ोर होती है, तो उससे बेहतर यह है कि चलो बंदा इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करे, पैसे लगाए। अब ये जो मैंने आपको चीज़ दिखाई है ये पुरानी है, ये भी आज की बनी हुई नहीं है। इसका ना आजकल इसको कोई बना सकता। एस्टिमेटेड आप कॉस्ट बता सकते हैं प्लीज, या ये प्राइस जिस पे आपने लगाई है? कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये का एक पीस है। सही। अब ये जैसे कि ये छोटी देर है, ये देखिए ये कश्मीरी देर है, इसको कहते हैं कश्मीरी। सही। ये डिजाइन भी कश्मीरी है, काम भी कश्मीरी है इसका, ये कॉपर में बनी हुई है, पाकिस्तान बनने से पहले की। सही। आप इसको इस्तेमाल करें, डेकोरेशन करना चाहें आपकी मर्जी, आप डेकोरेशन करें, लेकिन ये चीज़ फ़ायदेमंद। और इसको भी कलई करा के इस्तेमाल किया जा सकता है, कर लें तो इसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर आ जाता है, पहले को जो हिंदुस्तानी लोग थे वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे, पानदान वगैरह ना जी पर भी इस्तेमाल करते थे। इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको पीपल बॉक्स। अच्छा अच्छा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये कॉपर भी है, ठीक है, कॉपर का बना हुआ है, हाथ का काम है, ये यहाँ का बना हुआ नहीं है, ये इंडिया का बना हुआ है, दिल्ली का। सही। पार्टीशन से पहले का बना हुआ है, इसको कहते हैं पानदान। ये अंदर की इसकी कंडीशन है, ये इसके अंदर छोटा सामान आ जाता है। जी बिल्कुल। जब ये सामान आ जाता है इसके अंदर, वो जैसे छालियाँ हो गई, सुपारियाँ, तम्बाकू हो गया, और ये कच्चे चूने के लिए हैं, इसके अंदर चम्मच भी पड़ा हुआ है अगर आप दिखा सकें तो, ये छालियों के लिए होता है जी। अंदर से टिन कोटेड है ये कलई हुआ है, उसके ऊपर ये आप पान लगा के इसमें पेश कर सकते हैं मेहमान को, जो जैसे पहले करते थे लोग, ये वो चीज़ है। सही। तो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं नई चीज़ें, तो हम बहुत कम ऑर्डर पर किसी को देते हैं जी जी, तो पुरानी चीज़ें ज़्यादातर मैं सेल करता हूँ, एंटीक चीज़ें जो होती हैं वही मैं देता हूँ।
अब जैसे कि मुझे ये एक पीस मिला है, ये पुराना पीस मुझे मिला है, ये भी मैंने, ये इसको भी मैंने अभी ठीक करना है। सही, ठीक है। और जैसे कि ये पीस है, ये भी पुराना है, तो आप दिखा सकते हैं इसको, इसका एक पैर नहीं है जी, वो मैंने बनाना है पैर इसके साथ का, बिल्कुल सेम से बना के मैं इसके साथ लगा हुआ, तो फिर ये अपनी कंडीशन में ही आ जाएगा। ये ब्रास के अंदर है, पीतल के अंदर। जी आप शकील साहब, आप बता रहे थे पीतल के रॉ मटेरियल के हवाले से। इसका रॉ मटेरियल जब मैंने जब दुकान डाली थी उस वक्त इसका रेट था 24-25 रुपए किलो। अच्छा जी, नए मटेरियल का शीट जब आती थी। जी जी। आज जो शीट का रेट है वो 4,500 रुपए किलो है। सही। कलई का काम, कलई हम करते थे तो कलई भी उस वक्त तकरीबन कोई 40 रुपए या 50 रुपए किलो थी, आज वही कलई 18,600 रुपए किलो है। बहुत महंगी हो गई है। बहुत महंगी होने की वजह से ये काम कम हो गया। कुछ हमारी हुकूमत ने भी इस काम की तरफ तवज्जो नहीं दी, कारीगरों की तरफ। कारीगर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, हालांकि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। एक्सपोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आपने अगर मेरे से सामान लिया है, कोई बंदा बाहर का आता है, मसलन कोई बंदा दुबई से आता है, वो आगे एक दफ़े सामान लेगा, मेरे से 50-60 हज़ार गया, 1,00,000 रुपये का सामान ले लिया, वो एक आध दफ़े आएगा और लेगा, तीसरी आध दफ़े आके वो हमसे डिमांड करता है जी हमें उधार को अगले पैसे में, हम पैसे देंगे, हमने दिया भी है लोगों को, लेकिन वो हमें पैसे मिलते नहीं, वो हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। उसका तरीका होता है, आप LLCs खोलते हैं प्रॉपर और उसके थ्रू आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बच्चे तो मेरे पढ़े लिखे हैं, जी वो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इधर तवज्जो नहीं है, उसी वजह से कारीगर नहीं आते, काम नहीं कर